गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मिसेस शिमला शर्मा फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 ध्वनि पोएम जो है वो हमने रीड किया, उसका ट्रांसलेशंस भी किया और इसी के साथ साथ हमने कठिन शब्दार्थ भी किए एंड हमने आंसर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो चिल्ड्रन, टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर 1। ओके, देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कविता से आगे। तो अब अपने नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें मेरे साथ साथ अपनी आंसर लिखिए। ओके चिल्ड्रन, तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। ओके, तो कौन कौन से प्रयास करता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखो, कवि किशोरों रूपी फूलों कवि किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उनिंदेपन मतलब जिनकी आंखों में नींद भरी रहती है, बोझिल सी रहती है, नींद आती रहती है। ठीक है, उनिंदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नव जीवन से अमृत से सहर्ष और नव जीवन के एक मिनट इसको हम करेक्ट करेंगे नवजीवन के अमृत से सहर्ष, सहर्ष का मतलब मैंने बताया था आपको प्रसन्नता से, खुशी से, है ना, सहर्ष सींचना, सहर्ष सींचने का प्रयास करता है। कि वे फूल हमेशा अपनी आभा हमेशा अपनी आभा आभा यानी चमक, है ना,
आभा सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहे ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर नंबर सेकंड। एक बार बोल के बता देती हूँ मैं आपको कि कवि किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उनिंदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नवजीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करता है कि वे फूल हमेशा अपनी आभा सौंदर्य व सूषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहे। ओके डन। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर 3। आई होप ये आपने कर लिया होगा, मैं इसे हटा देती हूँ। ओके अब स्टार्ट करते हैं हम आंसर नंबर 3। तो लिखें कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है जिससे धरा पर आलस्य प्रमाद निराशा का वातावरण न रहे और वह उन्हें एक मनोहर प्रभात प्रभात का संदेश भी प्रभात का संदेश भी
देना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर नंबर 3। एक बार बता देते हैं और आपको कि कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है, जिससे धरा पर आलस्य, प्रमाद, निराशा का वातावरण न रहे और वह उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश भी देना चाहता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके, अब ये यहाँ पर दिए हैं कविता के आगे, ठीक है। तो ये है डिस्कशंस वाले, यानी ये तो पोएम में से बने हुए क्वेश्चन आंसर है, ये उससे आगे हैं जो आपको खुद को करने होते हैं। जैसे वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में डिस्कशंस कीजिए। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो कि वसंत ऋतु का जो सीजन होता है उसमें कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें से एनी वन। ओके, और जैसे ये है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, तो लिखिए। ये है पोयम से आगे, यानी पोयम में जो हमने पढ़ा है उसके आगे आप अपनी कल्पना के माध्यम से इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, बट आपको यही 3 क्वेश्चन आंसर अभी अपनी नोटबुक में करने हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ कि जो पोयम में हमने ट्रांसलेशंस किया है और जो पोयम हमने पढ़ी है उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद प्रयास करेंगे उन्हें बनाने का, उन्हें लिखने का। और कठिन शब्दार्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे हमने किए हैं, इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और देखो इसी चैप्टर में पीछे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे मृदुल कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। तो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं शब्दार्थ, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है बेटा। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है आप अपनी नोटबुक में करेंगे, साथ साथ लर्न करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से बना सके, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए। सो चिल्ड्रन, आप प्रयास करना और इसको पढ़ने की कोशिश करना वापस से, इसका ट्रांसलेशन आएगा तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 2nd चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।